मिशन आया उसके बेसिस पे हमारे सीनियर ऑफिशियल्स इतने पहुंच के चेक किया था। सो उस दौरान ये पता लग गया कि यहाँ इलीगल छोटा सा फैक्ट्री, ये नहीं है कि बड़ा डिस्टिलेशन कर रहे हैं, बट काफ़ी मात्रा दे विच बॉटल्स ENA अबाउट 20,000 लीटर्स का ENA ये यहाँ मिला है। ये लगभग लगता है कि जो मिशनरी देखने से पता लगता है कि ये न्यूली स्टार्टेड है, अबाउट 1 month और 1.5 month पहले से शुरू किया लगता है। सो बेसिक इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जो ENA वन डिस्टिलरी टू अनदर बॉटलिंग प्लांट जाती है विद इन पंजाब और आउटसाइड पंजाब जाती है, वो रास्ते में रोक के इधर डाइवर्ट करके थोड़ा सा क्वांटिटी, सपोज ये टैंकर है उस दे विच 10,000 15,000 20,000 ENA निकाल के फिर उस दे विच पानी भर दें सपोज 1% 2% मात्रे दे विच ये लोग ENA निकाल दें उसमें ये बॉटलिंग करके कुछ एसेंस डाल के लोकल जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उस दे नाम ते फिर बॉटलिंग करके लोकल मेरे ख्याल से लगता है कि बूटलेगर्स और छोटे जो इलीगली सेल करते हैं शराब उन्होंने दे रही है। सो ये बाकी जो डिटेल्स हैं कौन कर रहे हैं किवें कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक दो बंदे भी अरेस्ट हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारे स्टाफ भी उन्होंने मदद करेंगे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन दे विच। सो मेनली हमारा यही है कि हमारे तरफ से ये जीरो टॉलरेंस है, कोई भी होवे इलीगल डिस्टिलरी होवे बूटलेगर्स होवे और जो बाहर ले स्टेट तो लेके इधर सेल करते हैं लाइक हरियाणा से भी शराब आते हैं, कोई सस्ते माल दूसरे स्टेट से लेके आते हैं और पिंडा विच कुछ लान भी बनाते हैं, लास्ट 3-4 months दे विच पंजाब दे वक वक डिस्ट्रिक्ट दे विच काफ़ी रेट्स असी कराया। सो डिपार्टमेंट वालों यही जीरो टॉलरेंस है। सो इस दे बारे नहीं अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाते हैं उन्होंने खिलाफ जरूर एक्शन होगा, पहले भी एक्शन किया है। डिपार्टमेंट वालों जीरो टॉलरेंस है, वेदर इट इज़ पुलिस डिपार्टमेंट हो, वेदर इट इज़ एक्साइज डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट इज़ वन। सर डिपार्टमेंट मानता है कि ये जो पटियाला जिला में ही मुख्यमंत्री का जो ये जिला है यहीं पे ज़्यादा काम ऐसा चलता है? नहीं, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कला पटियाला में पकड़ा है, असी पूरे पंजाब दे विच भी सर, कल भी असी तरन तरन एरिया दे विच भी, लुधियाना कुछ सबर्ब्स हैं अलोंग द सतलज रिवर है, अलोंग द ब्यास रिवर है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा दे विच असी। लेकिन सर यहाँ तो तीसरा चांस है ये बिकॉज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यहाँ थोड़ा सा ये है कि लाइक शंभू बॉर्डर है, क्योंकि ये बॉर्डर हरियाणा न बॉर्डरिंग करते हैं सो दैट लिकर जो भी स्मगलिंग हो जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके इजीली जा सकते हैं। सर आपको लगता है ईडी के पास भी ये सारा मामला गया था, कोई राजनीतिक बड़ा इसके पीछे राजनीतिक हाथ भी हो सकता है कोई बड़ा, उनकी शय पे चल रहा हो काम ये बना? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पुलिस इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट आएगा उसके खिलाफ ऐसी एक्शन लेंगे। जो आपने बिल्कुल अरेस्ट डाली है, जो आपने अरेस्ट में आया हुआ है वही वाला जो पकड़ा गया ना पर्सन उसी का ही शंभू जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसी का हाथ था, फिर अब दोबारा अरेस्ट हुआ है उस पे, वो कैसे छूट जाते हो ऐसे पर्सन जल्दी? नहीं, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अरेस्ट किया है कल भी उन्होंने खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, जिमें बेल मिलता है वो पूरा जुडिशियल स्क्रूटनी थ्रू ही मिलता है। असी साढ़े मेन काम ये है कि इन्वेस्टिगेशन करना और पर्चा पेश करना, वो साढ़ा ड्यूटी है, असी पहले भी किया और हूँ भी असी सख्त एक्शन लेवा। जिमें कि कहा जाता कि बहुत जहरीली शराब है, शराब बहुत जहरीली होती है या यूज नहीं है, जो लोग यूज करते हैं उन्होंने खतरनाक है, फिर कोई ऐसी तारा क्यों नहीं जुड़ी जाती भी उस तरह का एक्शन किया जाए? डेफिनेटली मैं यही कहना चाहता कि असी स्ट्रिक्ट एक्शन लेवांगे, एक केमिकल एनालिसिस भी कराएंगे, उस दे विच असी भी स्मेल करके देखा है वो प्रॉपर जो शराब मिलते हैं उस दे मुताबिक ये सबस्टैंडर्ड शराब है, केमिकल एनालिसिस करके उस दे भी जो भी धारा वायलेशन है उस दे मुताबिक भी असी एक्शन लेवांगे। सर पहले शंभू में पकड़ी गई थी जो फैक्ट्री उसमें ना तो किसी बॉटल्स वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है ना ही लेबल वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे सर ये जो लेबल और जो ये देते हैं इनको उन पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता, चलान पेश हो चुका है शंभू वाले का सर?
लेकिन उसमें किसी का भी नाम नहीं आया, सिर्फ इनका जो दो लोग फैक्ट्री चला रहे थे उन्हीं का नाम आया। वो भी बाहर आ गए जमान पे। वो असी एग्जामिन करांगे, इस दे विच असी लेबल्स भी चेक किया, वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच पता लग गया कि वो लेबल्स भी ओरिजिनल नहीं है, जो असी बाकी तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नाल ही बनाया पता लगेगा, बट जो भी इन्वॉल्व है असी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेवा। सारे पंजाबी दी कहावत है कि एमएनएम गोंगलों मिट्टी झाड़दे है, गोंगलों मिट्टी झाड़दे है, बड़े बड़े अफसर जिहड़े उत्थे सस्पेंड करते थर्ड टाइमिंग, उन्होंने दो महीने बाद बड़े बड़े अहुदे ते ला देंदे है। नहीं जो असी सस्पेंड किया पता करो कि लग्या अजकल। देखिए जो असी सस्पेंड किया कुछ पीछे मुलाजम तरन तरन ट्रेजडी के बारे वो आज दे दिन भी सस्पेंड से सर तरन तरन लोकल गल मुख्यमंत्री के जिले की बात कर रहे हैं सर, ये जी शंभू फैक्ट्री फड़ी गई है, उत्थे एक बंदा सस्पेंड करता कागजा भी, ठीक है सस्पेंड कर दो, ਲੋਕਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਏ ਸਰ। ਇਤਨੀ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਆਰੋਪੀ ਕੋ, ਤਭੀ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੋ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੋ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੈ, कुछ ना कुछ तो पीछे किसी ना किसी राजनीतिक लोग का हाथ है, क्यों नहीं इंक्वायरी हो पाती सर? ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कोई भी ऑफिसर दे, कोई भी नॉन ऑफिशियल दे, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेवा। सर सारा पंजाब जानदा, सारे मेन हैगा जाने वाला मंत्री सारे इथो मिनिस्ट्री वगैरह सारी लंघ गई, लेकिन उन्होंने ध्यान ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, हाईवे के नेड़े जो पेट्रोल पंप्स हैं, कोई ढाबे हैं, उत्ते टैंकर्स खड़े हो जाती हैं, उत्तों पिलफरेज होने का संभावना है। इसी करके इन्हों का क्योंकि साढ़े GPRS सिस्टम लग गया, क्यों उस दे नाल कि हाईवे से कोई भी डीविएशन हो जाते सानू पता लग जाते हैं, इसी करके दे माइट हैव चूजन दिस प्लेस, इसी करके कि हाईवे के ऊपर खोलने से फिर किस अफसर की जिम्मेवारी तय की है आपने इसमें? आज कल रात ही पकड़ा था, आज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई भी ऑफिसर हो नहीं कुछ पता लगा सर, सूत्रों के अनुसार किसी पुलिस विभाग के ऑफिसर्स पे भी कार्रवाई राजपुरा में हुई है? नहीं अभी मैं अखबार में अभी रास्ते दे विच देख रहे थे, कुछ एक्शन पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएट किया है, बट इट इज नॉट कंफर्म्ड, आई रेड इट इन दैट जस्ट नाउ। वो लीगली एग्जामिन करांगे उधर उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, कि ये भी देखना चाहिए ना सर। अब ये आप चेक करेंगे कि राजपुरा में कौन कौन से ठेकों पर ये वाली शराब गई है? Yes. क्योंकि ये बिक तो राजपुरा में रही होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब राजपुरा के ठेकों पे भी Yes. छानबीन होगी इन दिनों में सर? बिल्कुल होगी, राजपुरा के और नियर बाई जितने भी वेंड्स हैं वो भी ऐसे चेक कराएंगे, और बूटलेगर से भी शराब इंटेंसिफाई करेंगे, किसके पास भी ये तरह का इस कंपनी का और जो इलीगल इस सेम शराब मिलते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन। कौन सा ब्रांड पकड़ा गया? मेरे ख्याल से मोटा संतरा और रसीला ब्रांड है, देसी गम सी, देसी है। जेड़े दोषी फड़े गए हैं इन्हां दी कोई प्रॉपर्टी भी रिकवरी की जाएगी? मैं यही कह रहे कानून मुताबिक जो भी हो सकता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेवांगे। सर आपको सरकार की तरफ से क्या क्या हिदायत है सर इन पे एक्शन करने की? सर मुख्यमंत्री बहुत सीरियस है इस मामले में, पिछले दिनों में बयान भी आए हैं। देखो जीरो टॉलरेंस है, आप देखिए आप लास्ट इस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस साल जो एक्साइज रेवेन्यू है लास्ट ईयर दे और उसके पहले दे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है हमारा, कोई भी होवे इलीगल शराब वेदर इट इज़ डिस्टिलरी से निकलते हैं और इस तरह का प्लांट्स लग जाते हैं और पिंडा चलान तैयार करके सेल करते हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन। पहले भी लॉकडाउन के लॉकडाउन में ही शराब बड़ी भारी मात्रा में बिकी है पंजाब में, जब लोग घरों में थे तो ये शराब बेच रहे थे, क्या इनको ये लगता था कि दोबारा से जो अब ये नाइट कर्फ्यू लगाया पंजाब गवर्नमेंट ने, क्या इनको लगता था कि दोबारा से लॉकडाउन होगा तभी ये शराब की फैक्ट्री यहाँ पे प्लांट नहीं की? अभी तो इसका लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से दो तीन दिन दे पहले अनाउंस हुआ, बट ये फैक्ट्री तो महीने से पहले चल रहे हैं लगता है। चारदारी हुई है, जब नवी नहीं हुई है। मैं तो कह रहे ना एक दो महीने वो इन्वेस्टिगेशन दे विच पूरा पता लगेगा। SHO ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੇਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੀ ਏ ਲੀਗਲ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ, ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।